बीजेपी को सफाया करना है और बीजेपी मुक्त भारत हो, ये हमारे नेताओं का सोच है। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इसको हमको तय नहीं करना, इसको शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पूरे देश भर में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रास्ते पर चल चुके हैं और साथ में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी उनका साथ दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पीएम मटेरियल को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरह से पूरे देश भर में विपक्षी पार्टियों से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी हुई, राहुल गांधी से भी हुई, क्या कुछ बातें हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। उस मुलाकात को क्या समझा जाए? देखिए, पूरे विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए सारा कयास प्रयास किया जा रहा है और उसी का प्रयास था कल का कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी दोनों आदमी मुलाकात किए हैं और सभी विपक्षी दलों से एक मंच पर आने का आह्वान किया गया है। और कल हरियाणा में भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जो देश के उप प्रधानमंत्री थे और किसानों के बड़े नेता थे, उनका भी जन्मदिन था, उसी अवसर पर रैली भी थी और उसमें भी कई विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी और एक मंच पर आई थी। और हमको लगता है कि विपक्ष एकजुट होगा, बीजेपी को सफाया करना है और बीजेपी मुक्त भारत हो, ये हमारे नेताओं का सोच है और उस पर पहल हो रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भाव सब लोग दे रहा है, सब एक हो रहे हैं। अभी नेता का चुनाव नहीं हुआ है और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किनके नेतृत्व में और कौन चेहरा होगा, ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम। लेकिन नेताजी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के गलबहियां कर रहे हैं, साथ में ही हैं, लेकिन क्या लगता है कि पूरे देश भर के विपक्षी पार्टी एकजुट कर पाएंगे? एकदम हो गए, जानते हैं कि बिहार समाजवादियों का घर रहा है और बिहार जब जब करवट लेता है तो देश में राजनीति परिवर्तन होता है। चाहे वो 1942 का याद कीजिए, जब गांधी जी ने मोतिहारी से ही आंदोलन शुरू किया था, क्रांति शुरू किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह बिहार के लोग जब एकजुट होते हैं तो देश में परिवर्तन होता है। चाहे वो 1974 का आंदोलन हो जेपी जी का, चाहे फिर आज भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लग गया है, इसलिए सारे देश की नज़र बिहार पर है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर नज़र टिकी है और हमको लगता है कि यहीं से परिवर्तन, एकदम परिवर्तन यहीं से होगा। देश ने देश में पहला राष्ट्रपति दिया है और इस बार हम सबका मांग है और चाहना भी है बिहार वासियों को, बिहार का भी कोई प्रधानमंत्री हो, हम लोग की चाहत है। कोई प्रधानमंत्री में से नीतीश कुमार को ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इसको हमको तय नहीं करना, इसको शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। एक सवाल यह भी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जिस तरह से कृषि रोड मैप को लेकर महागठबंधन के मंत्री, कृषि मंत्री जो है सुधाकर सिंह, उन्होंने सवाल खड़ा किया, उसको कैसे आप देख रहे हैं? जानकारी हमें नहीं है, इस पर बयान देना उचित भी नहीं, जानकारी नहीं हमें, क्या मामला है इसको देखेगा लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि पूरे विपक्ष पार्टी एकजुट होकर रहेंगे और यह जो परिवर्तन है आगे देखने को मिल सकता है, विपक्ष लाख कयास लगाता रह जाए लेकिन कुछ बीजेपी को इस बार सफाया करके ही जो हम लोग हैं वो दम लेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो मुलाकात हो रही है इसका क्या प्रभाव बिहार में पड़ सकता है, क्या प्रभाव पूरे देश में पड़ सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।